सेलिब्रेशन कर रहे हैं एक बच्चे का नामकरण का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल कमिंग. माय लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. मेरा नाम मुरली है. मैं एक छोटा मोटा ऑफिस में काम करता हूँ. मेरा ऑफिस 10th फ्लोर में. तो मैं एक दिन लिफ्ट में ऐसे चढ़ गया था लिफ्ट में मेरी कलीग के साथ. सो वाइल कमिंग डाउन 10th फ्लोर से जब वो नीचे आते हैं ऑलमोस्ट हर फ्लोर में वो लिफ्ट ऊपर इट्स ऑफ से ऑलमोस्ट ऑल द फ्लोर्स और हर फ्लोर में एक या दो जन चढ़ते. तो मैं ऑफिस का एक अराउंड 7:30 बजे निकल रहा था. तो ऑलमोस्ट हर फ्लोर में से एक दो जन तो चढ़ते लड़का हो या लड़की और चढ़ने का एक स्टाइल होता. समझो सामने लिफ्ट है तो चढ़ेंगे सब लोग. आई विल शो यू वन सेकंड. चढ़ेंगे नोबडी टॉक्स में कोई किसी से बात नहीं. तो ये देखकर जब 10th से ग्राउंड फ्लोर तक आए हर कोई बंदा वॉज हैविंग द सेम एक्शन. चढ़ेंगे कुछ तो करते हैं मोबाइल मुझे पता नहीं प्राइवेसी के कारण देखकर नहीं करते. तो ग्राउंड फ्लोर पहुंचते पहुंचते मैं ऑलमोस्ट हंसने लग गए लाइक स्माइलिंग. तो मेरा जो साथ में लड़की थी उसने पूछा सर आप स्माइल क्यों कर रहे थे. तो मैंने बोला कि मेरा वाइफ से मेरा बात हुआ था. तो उसने कहा कि लेडीज कंपार्टमेंट में आजकल हल्ला बुला होता है. एक जमाने में लेडीज कंपार्टमेंट लोकल ट्रेन में आप चलोगे तो हमेशा झगड़ा होता था चिल्ला पुका लोग बातें करते थे खाला मिला ऐसा आवाज ही रहता था फुल टाइम इसमें. सो मेरा वाइफ ने बोला आजकल ऐसा होता नहीं है. मैं बोला ऐसे क्यों नहीं होता. लोग चढ़ते हैं थोड़ा तकलीफ होता है उसके बाद सब अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं सब मोबाइल देखते रहते हैं. एक 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 जमाने में हुआ करता था. मेरे उम्र के लोग जानते हैं एक ट्विटर हुआ करता था. सब लोग अपना बेल्ट के पॉकेट में ऐसे उठा के चलते ऐसे फिट्स एक बड़ा शो केस है वो और ऐसे चलते थे कि पेजर है मेरे पास. उसके बाद मोबाइल आया. मोबाइल में क्या हुआ कि पहले के समय में मोबाइल इतना छोटा नहीं था बड़ा वॉकी टॉकी की तरह था एक एंटीना हुआ करता था. और आई स्टिल रिमेम्बर फर्स्ट क्लास में जब ट्रैवल में करता था तब फर्स्ट क्लास में उसके पास मोबाइल ऐसा रखा करता था बेल्ट के साथ और जैसे ही उसको फोन आता था ना ऐसा लगता था जैसा उसने कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता या क्या बोलते हैं उसका कोई नेशनल अवार्ड जीता हो ऐसा फोन उठाता था और जोर जोर से चिल्लाता था हेलो क्या है नहीं 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 क्या. जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश में बात करता था जो लैंग्वेज. और उसके बाद आई मीन दैट इज द वे मोबाइल वॉज. आज की तारीख में लोग मोबाइल में बात भी नहीं करते. लोग मोबाइल में बात भी नहीं करते और जैसे ही गाड़ी के अंदर चढ़ते हैं मोबाइल इज यूज नॉट ओनली फॉर टॉकिंग. आजकल कोई बात नहीं करते. गेम खेलते हैं म्यूजिक सुनते हैं पिक्चर देखते हैं इंटरनेट ब्राउज करते हैं या तो सबसे ज्यादा आज के तारीख में चैटिंग करते हैं. आज के तारीख में रिलेशनशिप हैज बिकम वर्चुअल. वर्चुअल मतलब इट्स ओनली ऑनलाइन. ऐसे जमाने में आप लोग ये फंक्शन अटेंड करने को आया दैट इज द रीजन आई एम सेइंग थैंक्स टू ऑल. मैंने ये चिट्ठी इसके लिए बनाया क्योंकि मेरा दिमाग में ज्यादा चीज रहता नहीं है जो थॉट्स था मैंने ज्यादा लिख के रखा. वन थिंग इज दैट उषा जी मेरे पास आए और बोले कि मुझे तुम्हारे तरफ से स्पीच होना चाहिए जैसे कि मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी हूँ अमिताभ बच्चन जैसा उसको चार बात बोल ही देंगे. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल स्पीक कुछ तो बोले. तो मैंने सोचा कि चलो बोलेंगे आयर के बारे में. सो बच्चे का नाम आयन रखा गया वो नाम लिखा है आयन वो बच्चे का नाम है. किसी को डाउट हो तो आयन के बारे में बोलने के लिए मैं सोचा चलो आई विल टॉक समथिंग अबाउट आयन. अब आयन के बारे में बोलने के लिए
मैं आयान से एक ही बार मिला इसके पहले, ओनली वन टाइम बिफोर दिस. जब मैं गया था तो दैट फेलो वाज स्लीपिंग, सो रहा था ऐसे चैन में, थोड़ी देर में उठ गया और फिर मैं उसको देखा. वो मेरा पहला डायलॉग उसके साथ क्या था, पहला डायलॉग ये था, दिस वॉज माई फर्स्ट डायलॉग. वॉट वॉज द रिएक्शन ऑफ आयन? आयन मेरे को देख के ऐसा बोरिंग सा, ऐसा क्या बता रहा है, दैट वॉज हिज रिएक्शन. तो इतने छोटे रिएक्शन में मैं उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल टॉक टू रईश एंड डायना. सो वॉट एवर आई एम सेइंग दिस इज फॉर रईश एंड डायना. ओके रईश? यस सर. दिस इज फॉर यू. यू नो ह्यूमन बेबी, जो ह्यूमन का बच्चा, ह्यूमन बेबी इज वन ऑफ द वीकेस्ट. बोलो बोलो. वन ऑफ द वीकेस्ट ऑफ ऑल बेबीज, वन ऑफ द वीकेस्ट, सबसे कमजोर बेबी. यू नो व्हाई? वेलकम. बिकॉज ह्यूमन बेबीज, आई हैव सीन द बर्थ ऑफ अ कार. एक बछड़े का जन्म देते हुए मैंने देखा, दोपहर को वो बच्चा पैदा हुआ था, शाम और शाम रात होने तक वो कूद रहा. इट वॉज लाइक जंपिंग ऑन इट्स ओन. एक ह्यूमन का बच्चा चलने के लिए कम से कम एक साल लगा था. सो दैट वे इफ यू सी द ह्यूमन बीबी इज द बिगेस्ट इन द ऑल ऑफ प्लैनेट. और वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ह्यूमन बेबी टिल द एज ऑफ 18 साल तक अपने उसका ध्यान रखना होता है. उसके बाद जाके लीगली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ही कैन लिव ऑन हिज ओन. टिल दैट टाइम ही स्टिल अ चाइल्ड. यस. अगर इंडियन बच्चा है तो लाइफ लॉन्ग तक माँ ख्याल रखती है. आई टेक दैट पॉइंट. इनफैक्ट आई हैव सीन अ मूवी ऑल्सो. वो मूवी में ऐसा होता है कि बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, फाइनल ईयर एंड इज बोर्डेड एट ग्रेड. माँ बोलती है बेटा चड्डी तो रख लिया ना और आपको केले खाना एंड ऑल दैट स्टफ. करेक्ट. सो दैट इज इट. बट रईश एंड नायना, वन थिंग इज दैट व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक्चुअली द फादर इज बॉर्न एंड द मदर इज बॉर्न. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड you will realize that your life has changed overnight. Suddenly, the nucleus of your family has shifted. Now the nucleus of your family is iron. I searched in Google ki iron ka matlab kya hai. It was written rays of sun, but I don't know, right? She can. Yeah, Arabic it is called God's gift. A lot of ancient African languages it's God's gift. Sanskrit it has been used as speed or nature. Hebrew it is peace. So it is it's a multicultural, multilingual name. Yes. Yeah. So as I was saying, thank you Raish, because मेरे को सिर्फ rays of sunlight जिधर मैंने बोला चलो वो सबसे simple लग रहा है वही बोल देता. As I was saying, life has changed for you, and you will learn and experience many things over a period of your lifetime and over in the journey of your parenting. And things will change a lot. For example, when you try to get cozy with your wife, yeah, you know, this fellow will ensure that he will come between you and your wife. Okay? And this is the first time you will smile and you will not get irritated. This is the first time you will do that. Okay? Otherwise, that would be your answer. Things will change in your life when you come from office, in your case hospital. बहुत खराब दिन चला गया है. ऑल यू वॉन्ट इज अ गुड नाइट स्लीप. अच्छा से सोना है, किसी तरह मस्त सो के कल सवेरे काम पे जाना है. एंड एट दैट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ टाइम एकदम मस्त नींद लगा रहेगा. दैट इज द टाइम व्हेन ही विल वेक अप एंड ही विल स्टार्ट क्राइंग लाउडली. लाउडली, सो लाउड तुम कितने भी गहरी नींद में हो तुम उठ जाओगे. ये जब उठोगे ना तो तुम क्या करोगे, सबसे पहला उसको फीडिंग करोगे, दूध पिलाओगे, कुछ तो करोगे.
तो भी वो चुप नहीं रहेगा, डायपर बदलोगे तो भी वो चुप नहीं रहेगा, देन विल कम अ टाइम व्हेन ही स्टिल क्राइंग. यू माइट हैव आंसर्ड मेनी क्वेश्चंस इन योर लाइफ. आपने एमबीबीएस पास किया, एमबीएमएस जो भी आपने पास किया, दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ. अरे भाई तू चाहता क्या है, रो क्यों रहा है? दिस आई थिंक मेनी ऑफ द पेरेंट्स हियर विल एग्री टू दैट, राइट? Say a yes if you say agree. Yeah. Yes. And you'll spend lot of sleepless nights. Aapka neend hamesha kharab rahega. Aap kuch kar bhi nahi paoge. Hain? Dekho abhi se uska example hai. Wahi hai. Wahi. You'll be sacrificing many things. You'll sacrifice your favorite TV show, your movie, probably even parties and etc. And at this time, listen to me very carefully, this is a very important statement. At this time, you will realize the importance of your parents. You will realize that your parents have sacrificed much more than what you are doing right now. Okay? And a realization will come to you like enlightenment at that point of time, and you will start yearning for them. You will want to see that they were with you, and at that precise time they will be away from you, and you will miss them really very much. Okay, and I tell you, there are many things you will remember about this guy. Okay? But I tell you, in this whole world, only your parents will remember what you were at your childhood. In fact, couple of days back I was at your home. Your mother still remembers how Shilesh used to walk around in the house, how you used to walk around in the house. They are the only people in this world who will know what you have done and how you were when you were a child. And such many things about your parents. They will know many things about you. Okay? So if you ask me, uncle and auntie, I wanted to hear this. Amma. Mummy is busy. Auntie also. Amma. I am ready to wait. Suno. Listen to what I am saying. Suno. Nuko, ruko. Ruko, main jo bol raha hu, suno. If you want, I can wait for 5 minutes. Okay, so if somebody asked me, does God really exist? The answer is yes, Varish. God does exist, and that God is in your parents. And today, you are going to down the road of God or I am from now on. And he will realize that you and Diana were his God only when he becomes a planet. And till that time, you will have to keep your patience. I don't want to spoil the excitement and the joy of the journey of parenthood by spilling all the beans right now. So, you experience it, you will learn it, and he will grow up. No doubt he will grow up one day. All I want to say is, enjoy the journey of parenthood. Happy parenthood. Thank you. Thank you so much. Thank you.